तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आज है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो कि लिब्रो ऑफिस पे आधारित हैं, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जितना भी हो सके तो आप लिब्रो ऑफिस के क्वेश्चन ही पढ़ के जाइएगा। तो आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको लिब्रो ऑफिस से संबंधित मिलेंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखनी है। आई होप अगर आप ये शेयर सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आई होप आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगी लिब्रो ऑफिस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के अच्छे से जाइएगा। मैं जो सारे क्वेश्चन बताऊँगा इनको अपने माइंड में सेट कर लेना है, नोट डाउन भी कर सकते हैं। आज जिनका एग्ज़ाम आज है या नेक्स्ट डे है, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वो है लिब्रो ऑफिस क्लर्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कीज क्या है। नंबर एक है कंट्रोल प्लस पी, बी नंबर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, और सी नंबर है आल्ट प्लस पी, डी नंबर कंट्रोल प्लस शिफ्ट ओ। लिब्रो ऑफिस क्लर्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कीज पूछ रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू की। और मैं आप लोगों को बताने चाहूँगा, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो उनकी पीडीएफ मैं इस वेबसाइट पर डाल दूंगा। यहाँ पर भी आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वेबसाइट है आप लोगों के लिए बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस क्लर्क में कुल कितने कालम होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लर्क में कितने कालम होते हैं, कितनी संख्या होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, 1024। ठीक है, कालम, और कहीं रो की बात आए, यहाँ पर भी कालम पूछ रहा है, इसलिए 1024। रो की बात आए तो ये सिलेक्ट करिएगा, 1048576 ये हो जाएंगे हमारे रो, और ये हो जाएंगे 1024 कालम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस क्लर्क फाइल डिफ़ॉल्ट में किस नेम से सेव होता है, यानी कि जो लिब्रो ऑफिस क्लर्क की फाइलें होती हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती हैं? तो नंबर एक है क्लर्क वन, बी नंबर राइटर वन, सी नंबर है अनटाइटल्ड वन, और डी नंबर इम्प्रेस वन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, अनटाइटल्ड। ठीक है, जब आप कोई ओपन करते बिना, जैसे कि आपने ओमेर किया, क्लर्क ओपन किया, ठीक है, तो जब तक आप उसे फाइल नेम नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो नाम होता है वो होता है अनटाइटल्ड। ठीक है, देखिएगा, कभी ट्राई करिएगा, ऊपर होता है ये आपके, कहाँ पर, सबसे ऊपर क्या होता है, टास्क बार, मेनू बार, क्या होता है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, टाइटल बार होता है ऊपर सबसे। ठीक है, ध्यान देना है, टास्क बार आपका नीचे होता है, टाइटल बार आपका सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस क्लर्क में करंट विंडोज से बाहर निकलने की शॉर्टकट कीज क्या है। ठीक है, क्लर्क से आप बाहर आना चाहते हैं तो वहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? नंबर एक है कंट्रोल प्लस बी, बी नंबर है कंट्रोल प्लस क्यू, सी नंबर है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, डी नंबर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ध्यान देना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 99% हेल्प मिल जाएगी, बस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है। तो नंबर एक है सेंटर अलाइनमेंट, बी नंबर है लेफ्ट अलाइनमेंट, और सी नंबर है जस्टिफिकेशन, सी नंबर है राइट अलाइनमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी नंबर, जस्टिफिकेशन, एक ही अलाइनमेंट नहीं होता है। ठीक है, लेफ्ट, सेंट्रल, राइट, ये सब अलाइनमेंट देखने को मिलेंगे लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का प्रोग्राम है। नंबर एक प्रेजेंटेशन, बी नंबर स्प्रेडशीट, सी नंबर वर्ड प्रोसेसिंग, डी नंबर डेटाबेस।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस को प्रेजेंटेशन यानी कि एमएस पावर पॉइंट कहते हैं, ठीक है, एमएस ऑफिस में प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, और लिब्रो ऑफिस में इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जाता? नंबर एक है GIF, बी नंबर है JPEG, सी नंबर HTML, डी नंबर वेब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HTML। अब HTML क्योंकि एक हमारी वेब फाइल होती है, ठीक है, जो कि इंटरनेट पे जैसे कि हमें कोई वेब पेज क्रिएट करना होता है तो वहाँ पर हम HTML का यूज करते हैं, तो ये वेब पेज से रिलेटेड है। आप लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में GIF क्रिएट कर सकते हैं, JPG, वेब, ये सब कर सकते हैं, पर HTML की फाइल नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? थोड़ा टाइप करने में मिस हो गया, आप मैनेज कर लीजिए कितना था, ठीक है ना, पूरा कितना होता है। तो नंबर एक है 15% और बी नंबर है 10% और सी नंबर है 5% और डी नंबर है 12%। तो कम से कम जूम कितना कर सकते हैं आप? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 5%, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क इम्प्रेस में सेव की हुई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जोड़ा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .odp, बी नंबर, ठीक है, आपको ध्यान देना कहीं ods मत सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर से .odp ही सिलेक्ट करिएगा इम्प्रेस की जो होती है, ठीक है, एक्सटेंशन जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपटॉप ऑफिस क्लर्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज नहीं लग गया ना, तो कन्फ्यूज थोड़ा आप लोग हो रहे होंगे। लिब्रो ऑफिस क्लर्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते, मतलब कितना जूम नहीं कर सकते? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 500% आप जूम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आप लोगों को क्वेश्चन लगे कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है या आपको लगता है कि ये नोट डाउन करने वाला, तो आप कॉपी पेन लेकर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में अधिकतम जूम 400% होता है? तो जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, अधिकतम जो होता है 400% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में सेव एज की शॉर्टकट कीज Ctrl+Shift+S होती है? तो जैसे आप सेव करेंगे तो वहां पर Ctrl+Shift+S प्रेस करेंगे तो आपका वो सेव हो जाएगा, ठीक है, डेटा सेव एज की डायलॉग बॉक्स, एक बॉक्स ओपन होके आएगा, तो वहाँ पर अपना आप दूसरा नाम दे सकते हैं। और जो आप लोगों का MS वर्ड में होता है वो होता है F12 सेव एज की शॉर्टकट कीज, क्लर्क में होती है लाइब्रो ऑफिस क्लर्क में Ctrl+Shift+S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रो ऑफिस राइटर में कट की शॉर्टकट कीज Ctrl+X होती है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि एमएस वर्ड में भी ये शॉर्टकट कीज Ctrl+X काम करती है और लिब्रो ऑफिस राइटर में भी एक ही जैसा काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस ड्रा में रूलर की शॉर्टकट कीज Ctrl+Shift+R होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ट्रू, ठीक है। ड्रा मतलब आप लोगों का क्या, ड्रा क्या हो जाता है, डेटाबेस यानी कि MS Access, शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+Shift+R रूलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिब्रो ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूल बार को हाइड किया जा सकता है? तो भैया हम हाइड तो कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि उसमें कोई प्रोटेक्शन ऐसा नहीं होता कि आप हाइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस राइटर में किसी फाइल को PDF में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? तो भाई PDF में ओबियसली आप कर सकते हैं, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, PDF में आप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन टूल मेनू में होता है, तो जो आप लोगों का वर्ड काउंट का होता है वो पाया जाता है आपके टूल मेनू में। इसका भी राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम 3000 होता है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 300 है कि 3000 है। तो ये एक्चुअली में है 3000, ये मत सोचिएगा कि ये 300 है, गलती से जीरो बढ़ गया होगा, ये एक्चुअली में है 3000। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। इंप्रेस में अधिकतम जो जूम होता है वो 3000 तक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस ड्रा में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस के होती है। तो जो एमएस वर्ड में या एमएस ऑफिस में भी कंट्रोल के ही काम करती है हाइपरलिंक के लिए, और लिब्रे ऑफिस ड्रा में भी कंट्रोल के ही लिए ही, यानी कि हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस के ही होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस क्लर्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होती है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, 100% ये आना ही आना है, रट लीजिए इसे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, लिब्रे ऑफिस क्लर्क में फुल स्क्रीन, जैसे आप करना चाह रहे हैं पूरी फुल स्क्रीन, पूरे वही आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वही शो हो, पूरी जूम में आ जाए, तो वहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे करेंगे तो पूरा आपको वैसे ही प्रीव्यू दिखेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने लिब्रे ऑफिस के लिए 5-6 वीडियो बना दी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, वो वीडियो देख लेंगे और ये सारी वीडियो आप देख लेंगे लिब्रे ऑफिस से, तो आपको पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी। तो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम है आज या आने वाले दिनों में, तो वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर भी आप क्वेश्चन हमें शेयर कर सकते हैं। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उस पर भी आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी स्टूडेंट की हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, इसलिए आप ये ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।